वर्ष 2014, जब सत्ता की संभाली कमान और देखते देखते बीत गए 10 साल। सवाल खड़ा हुआ, कितना हुआ विकास, कितना हुआ बदलाव। कहने को तो आजादी के बाद से देश का गौरव, देश को संवारने का काम, यानी बीते 70 सालों में कांग्रेस ने काम किया। लेकिन आज फिर ऐसा क्यों है कि इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का हाथ थामा, उस विश्वास के पटल पर बीजेपी को उतारा, और जब एक बार फिर इस सत्ता परिवर्तन और सत्ता वापसी का समय आया तो सवाल खड़े हुए कि बीते 10 सालों में भारत का अभिमान कितना बढ़ाया। क्योंकि इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जनता ने इस देश की डोर यकीनन तौर पर भाजपा के हाथ में देश के अभिमान और गौरव को बढ़ाने के लिए ही दी थी। अब फिर एक बार सत्ता की चाबी जनता के हाथों में जाने वाली है तो जनता किसके साथ खड़ी होगी, यह सवाल भी बरकरार है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि बीते 10 सालों में कौन से वो ऐसे काम हुए हैं जिस पे भाजपा ने किए हैं, जिसके बुनियाद पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के दावे कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीते 10 सालों के में वो कौन से काम को किया गया है, उनको भी गिनवाते हैं, जिसमें आज जनता कितनी खुश नजर आ रही है। अगर 2024 के ज्वलंत मुद्दे के तौर पर देखा जाने वाला सरकार का काम, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू होना, धारा 370 का हटना और राम मंदिर का बनना है, यह वो अहम मुद्दा है जो सबसे सर्वोपरि के बतौर जनता की निगाहों में चढ़ा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। हालांकि अगर बात करें तो वर्ष 2019 में इसे संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया था। लेकिन उस वक्त इस कानून की महत्वता न समझने के कारण विशेष समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन अब 11 मार्च को यह कानून संशोधन करके देश भर में लागू कर दिया गया है और इस फैसले का स्वागत हर कोई करता भी नजर आ रहा है। धारा 370 का हटना। अगर बात धारा 370 की करें तो मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहीं अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत सदन की रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था। लेकिन भाजपा ने 2019 को लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था और 5 अगस्त 2019 को देश से धारा 370 हटा दी गई। राम मंदिर का निर्माण। वही सरकार की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि के बतौर राम मंदिर को देखा जा रहा है। अगर बात करें तो यह मामला अदालत की चौखट पर 1528 से चक्कर लगा रहा था। कई सरकारें आईं, वादे किए, दावे किए, हिंदू को उनके प्रभु श्री राम का मंदिर जरूर मिलेगा, मगर यह किसी भी पार्टी के कार्यकाल में पूरा ना हो सका। उसके बाद जब सत्ता में भाजपा की सरकार आई और इस मामले पर कोर्ट में तेजी दिखाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए वह जमीन हिंदू पक्ष को मंदिर बनाने के लिए दे दी और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और आम दर्शन के लिए खोला गया। यह भाजपा की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण बनता दिख भी रहा है, क्योंकि इस मंदिर से करोड़ों सनातनियों की भी आस्था जुड़ी हुई है। वहीं अगर इन तीन मुद्दों के अलावा और मुद्दों को देखा जाए तो जिसमें 3 तलाक कानून का लागू होना, नोटबंदी, GST, उज्ज्वला योजना, सर्जिकल स्ट्राइक, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, यह वो योजनाएं हैं जिसके तहत भाजपा सरकार ने जनता का मन ही नहीं बल्कि दिल तक जीत करके रखा है। साथ ही विश्व पटल पर भारत की एक अलग ही छाप और एक अलग ही साख बनाने का काम किया है, और यही वजह रही है कि बीजेपी आज इस दावे और वादे के साथ ऐलान करती नजर आ रही है कि अब की बार 400 पार।